नमस्कार, आप देख रहे हैं पाली सिडोई ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं कसक अग्रवाल। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन खबरों के अलावा सभी खबरें पढ़ने के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें पाली सिडोई ऑनलाइन ऐप। तकतगढ़। पिछले वर्ष 18 जून और 10 जुलाई एक महीने में दो बार बिपरजॉय की तबाही के बाद अब फिर सिर पर आया मानसून तो एक साल बाद जागा सार्वजनिक निर्माण एवं उपखंड प्रशासन। गुरुवार को नेशनल हाईवे परियोजना दिशा निदेशक नेमीचंद एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता राहुल पवार सुमेरपुर उपखंड अधिकारी हरीश सिंह देवल ने तगतगढ़ पहुँच मुख्य चौराहे से लेकर फालना रोड NH 325 बलाना तक निरीक्षण कर बरसाती पानी निकासी के लिए चार जगह चिन्हित कर तुरंत प्रभाव से अंडरब्रिज निर्माण एवं मुख्य चौराहे पर बाकली बांध से आने वाला ओवरफ्लो पानी की निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बिपरजॉय जो आया था उसमें जो तबाही तगतगढ़ में हुई उसके चलते हमने पहले से जो है हाईवे अथॉरिटीज़ को लेटर से हमने अवगत कराया था। एडी साहब SDM साहब ने भी करवाया था। उसके बाद में अभी जो है वापस उनको सूचना देने पर हाईवे अथॉरिटी के जो भी SC है JNA सब लोग आए थे। SDM साहब खुद आए थे और बनाना से लेके तगतगढ़ के बीच में इसका सर्वे किया और इसके बीच में जो नाले होते हैं बड़े बड़े वो नाले चार पांच जगह पे नाले बनाने का बोला है उनको और जहाँ जहाँ से पानी का निकासी ज़्यादा था और बहुत जल्द ये बरसात के पहले पहले इन्होंने काम कंप्लीट करने का वादा किया है। नगरवासियों ने शिकायत भी की थी, क्या उसको लेकर भी निर्णय? हाँ, शिकायत तो आए दिन होती रहती है क्योंकि इतनी बड़ी तबाही हुई थी, आंखों के सामने हुई थी। पूरा मार्ग उसी जो है पानी में दबा हुआ था तो उससे थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है, लोगों में भी रहता है, हमारे दिल में भी रहता है कि भाई गाँव में ऐसी समस्या वापस नहीं आए। उसके लिए हमने जब से बिपरजॉय आया है जब से प्रयास रत थे, अभी टीम आई है तो बरसात के पहले पहले ये कम्प्लीट हो। ठीक है। मैं पिछले बिपरजॉय और उसके बाद की जो बारिश हुई थी उसके बाद में बांकली बांध के और फ्लो होने से तगतगढ़ शहर में जो पानी का भरा हुआ था उसको आज देखने के लिए हमने जो PWD के NH विंग के अधिकारी उनके साथ में और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि चेयरमैन साहब वाइस चेयरमैन साहब के साथ में मीटिंग करके और यहाँ की जो फिजिकल स्थिति है उसको हमने देखा है और अभी ये प्राइम ऑफिस ये तय किया है कि हमने हाईवे के चार जगहों पर हम चार बड़े बड़े अंडरपास बनाएंगे PWD के NH विंग अधिकारी और जो ये जो शहर के पास में इसका लेवल नीचे है जो हाईवे का उसको हम 3-4 फीट उठाने का प्लान बनाएंगे तो भविष्य में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन अभी तात्कालिक रूप से चार जो अंडरपास बनाने वो कार्य तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। मानसून के पहले ये कार्य काम होगा? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। हमने कंटिन्यूसी प्लान के तहत में PWD NH SC साहब ने और SC साहब ने आश्वस्त किया है कि ये काम वो जल्द स्टार्ट हो जाएगा, बारिश से पहले काम यह हो जाएगा। सारे गाँव वासियों के साथ में और SDM के साथ में पूरे जॉइंट विजिट किया गया हाईवे का, जिसमें पिछले साल जो बिपरजॉय आया था उन लोकेशन का अवलोकन किया गया और ये पाया गया कि 3-4 लोकेशन पे CD वर्क देने हैं, डेड मीटर के चार लोकेशन पे देने हैं और साथ ही साथ तगतगढ़ जो लोकेशन है उसको रेजिंग के लिए प्रस्ताव बना के आगे जिसे जल्दी पूरा कर लिया। मानसून के पहले क्या काम होगा? हाँ, मानसून से पहले जो चार CD वर्क बनाने उनका काम कर सर पिछले वर्ष भी आपने मौका मुआयना किया था आपकी टीम ने, तो उस समय एक साल गुजर गया, क्या किया एक साल में? एक साल में ये है कि हमने जो पहले जो डैमेज हुआ था बिपरजॉय उसकी हमने कार्रवाई करी है और इसकी प्लानिंग करके इसको काम को पूरा करवा लिया जाएगा। जी, आपका नाम? शुभ नाम राहुल पवार, अधिशासी अभियंता। ओके। पाली सिरोही ऑनलाइन हर खबर आपको पहुंचा रहा है सबसे पहले। जवाई बांध का गेज हो या बारिश की खबर, क्षेत्र में हत्या हो या आत्महत्या और सामाजिक कार्यक्रम, सबसे पहले पाली सिरोही ऑनलाइन पर दिखती है खबर। पाली सिरोही ऑनलाइन सदैव उतारता रहा झूठ का नकाब। गुनहगार कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, देना होगा जवाब। हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, खबरों की सच्चाई आपके सामने होगी। हर खबर के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें पाली सिरोही ऑनलाइन ऐप।